ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी नेशनल इमरजेंसी की, यानी कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी स्टेट इमरजेंसी की, जिसको हम प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं आम भाषा में, और जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट्स में। ठीक है, यानी कि जो हम कहें अगर कि इमरजेंसी जैसा जो वर्ड है वो आपकी स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन जिसको बोला जाता है, उसके लिए यूज़ नहीं किया गया है इमरजेंसी वाला कोई भी वर्ड। उसके लिए वर्ड क्या है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो आज की वीडियो में कोशिश करेंगे इसको कवर करने की, और साथ ही साथ कंपेयर करते चलेंगे आर्टिकल 352 से कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि किस ग्राउंड पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होती है, पहले तो ग्राउंड आपका आर्टिकल 356 में खुद ब खुद दिया गया है कि या प्रेसिडेंट को सेटिस्फेक्शन हो जाए गवर्नमेंट की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा भी, यानी कि या तो गवर्नर वहाँ पे सिफारिश कर दे कि अब ऐसा हो गया है स्टेट में कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है, यानी संविधान के जो उपबंध हैं उनके अनुसार काम नहीं हो सकता, या तो गवर्नर रिपोर्ट दे दे, या फिर गवर्नर की रिपोर्ट की बजाय प्रेसिडेंट को अपने आप ये लग जाता है कि हाँ ऐसे सिचुएशन अराइज हो गई हैं कि अब संवैधानिक तरीके से सरकार काम नहीं कर सकती, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पे लगा देता है। दूसरा ग्राउंड दिया गया है आपके आर्टिकल नंबर 365 में। 365 क्या कहता है कि अगर केंद्र सरकार राज्य को कोई निर्देश देती है कि ये पर्टिकुलर काम इसके तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से तुम्हारे एक्ट आए या कोई भी चीज़, और राज्य सरकार उन आदेशों का पालन नहीं करती है और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के फेल होने के चांसेस होते हैं, तब भी क्या हो सकता है, तब भी प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है। यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल सिर्फ आर्टिकल 356 के अंतर्गत ही नहीं बल्कि 355 में भी उसके ग्राउंड्स दिए गए हैं। दूसरा आता है कि ड्यूरेशन और अप्रूवल का क्या मतलब है। अगर मैं पहले बात करूं कि ग्राउंड हमने 352 में पढ़े थे, तीन पढ़े थे नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन लग सकते हैं, वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया और आम रिबेलियन हो गया, जिसको कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस के बजाय। ठीक है, अब इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट सबसे पहले क्या करता है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी की घोषणा कर देता है। उसके बाद ये जो घोषणा होती है इसको आपको संसद की अप्रूवल चाहिए होती है, यानी पार्लियामेंट की अप्रूवल कराने के लिए आपको 2 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। उस 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट अगर सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव कर देती है तो प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाता है। 352 में क्या था कि पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी से, यानी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी से उसको अनुमोदन करना होता था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी स्पेशल मेजॉरिटी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी है। दूसरा, यहाँ पे 2 महीने का टाइम पीरियड है, वहाँ पे 1 महीने का टाइम पीरियड था। अगर आपकी लोकसभा उस टाइम पे डिसॉल्व हो जाती है या लोकसभा सेशन में नहीं होती है लेकिन राज्यसभा ने उस इमरजेंसी की उद्घोषणा को जो है आपका अप्रूव कर दिया है, तो फिर क्या होगा कि जिस दिन से नई लोकसभा आएगी और नई लोकसभा की पहली बैठक होगी उसके बाद से 30 दिन का पीरियड काउंट होगा, और ये 30 डेज का जो टाइम पीरियड है अगर इसमें लोकसभा अप्रूव कर देती है तो आपकी इमरजेंसी लागू हो जाती है। कितने टाइम पीरियड के लिए लागू होती है, ये भी 6 महीने के लिए लागू होती है, और अगर आपको आगे एक्सटेंड करना है तो हर 6 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पार्लियामेंट की अप्रूवल होगी। लेकिन इसमें एक क्लोज है कि अंडर आर्टिकल 352 जब पार्लियामेंट अप्रूव करते हैं तो आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए उसको बढ़ा सकते हो 6-6 महीने करके। स्टेट इमरजेंसी में ऐसा नहीं है, स्टेट इमरजेंसी में मैक्सिमम आपको 3 साल का टाइम पीरियड दिया गया है कि 3 साल तक आप ऐसा कर सकते हो। क्या उसके बाद लग सकते हैं, तो हाँ उसके बाद लग सकते हैं। फिर ये कहा गया अगर उसके बाद लगाना है तो क्या होना चाहिए, या तो आपकी आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, और या फिर आपका इलेक्शन कमीशन ये घोषणा कर दे कि उस पर्टिकुलर स्टेट में ऐसे फैक्टर्स हैं या भी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके तहत आपके नए इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते, तब भी उसमें स्टेट इमरजेंसी की सिचुएशन लागू हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है। अंडर आर्टिकल 352 में भी क्या कहा था कि प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं बोला था, 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया था, तो वही इसमें भी किया है, 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड कर दिया गया कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है कि यानी उसमें बोला गया है प्रेसिडेंट को जो लगता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन का जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में
38th से इंदिरा गांधी की सरकार ने लिख दिया कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, बट सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। फिर राजस्थान स्टेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ 1977 में, 7 जजेस बेंच बैठी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। इन्होंने क्या कहा कि प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट स्टेट में कोई इमरजेंसी लगाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर वो जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वो मॉलिफाइड हुआ, यानी कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो किसी के प्रति जो है वो सही आधारों पे नहीं है, यानी किसी ने जानबूझ के उसके किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ जानबूझ के प्रेसिडेंट गलत कर रहे हैं सिर्फ इस बेस पे कि केंद्र में दूसरी सरकार है, राज्यों में दूसरी सरकार है, यानी मॉलिफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो उसका जुडिशियल रिव्यू तो कर सकते हैं। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या हुआ कि ये जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन वाला जो जुडिशियल रिव्यू वाला प्रोविजन ऐड किया गया था, इसको रिमूव कर दिया गया। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और केस आता है, SR बोम्मई केस, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि आर्टिकल नंबर 74(2) ये कहता है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे काम करेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को क्या सलाह दी है या नहीं दी है, अगर दी है तो क्या दी है, इस सब का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसका मतलब तो ये है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी भी अपनी मर्जी से नहीं लगाता, अगर वो लगाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से लगाता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर इस सलाह का भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो तुम्हारी मान लेते हैं, नहीं करते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि इस आधार का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या सलाह दी या क्या सलाह नहीं दी, लेकिन हम इसका कर सकते हैं कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स थे जिस पे वो सलाह दी गई, यानी कि कान को सीधा पकड़ो या उल्टा पकड़ो, कान तो पकड़ना है, तो यानी कि क्या क्या हुआ, सबसे पहले कि वो ग्राउंड्स कौन से हैं कि जिस पे सलाह दी गई, कुछ तो ऐसे तथ्य होंगे आपके पास, कुछ ऐसे फैक्ट होंगे, फिर क्या उन तथ्यों पे, उन फैक्ट्स के आधार पर या उन ग्राउंड्स के आधार पर ही वो इमरजेंसी लागू की गई है या नहीं की गई, अगर नहीं की गई तो फिर वही बात है, फिर तो हटेगी वो, यानी जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू सलाह का नहीं हो सकता, पर सलाह किस ग्राउंड्स पे दी गई है इसका हो सकता है। तो उसके बाद इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट दिए गए हैं आपके आर्टिकल नंबर 356 और 357 में। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो जैसे हमने देखा था आर्टिकल नंबर 352 में क्या होता है कि जो आपकी राज्य सरकार है वो सस्पेंड नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि राज्य सरकार के साथ साथ पावर्स मिल जाती हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बेसिकली राज्य सरकारों को सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों के अनुसार काम करना होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, यानी एक किस्म से एग्जीक्यूटिव कहें या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कहें, वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, और प्रेसिडेंट उनका जो भी काम होता है वो अपने हाथ में ले लेता है। प्रेसिडेंट ये भी कर सकता है कि गवर्नर या फिर उसके किसी प्राधिकारी यानी किसी भी अथॉरिटी के किसी भी कामकाज को वो अपने हाथ में ले सकता है, और अपनी मर्जी से चाहे किसी दूसरी अथॉरिटी को अलाउ भी कर सकता है। प्रेसिडेंट ये भी कर सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करके ये चीज़ बोल दे कि आपकी प्रेसिडेंट ये भी कर सकता है कि बोल दे कि आज के बाद स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी काम है वो कौन चाहेगी, वो पार्लियामेंट के पास जाएंगे, पार्लियामेंट उसको करेगी। या प्रेसिडेंट ये भी कर सकता है कि अगर वहाँ पे किसी स्टेट अथॉरिटी ने या फिर किसी और अथॉरिटी ने ऐसे प्रोविजंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे लेकिन इस टाइम इमरजेंसी के सिचुएशन में उनको खारिज करना ज़रूरी है, तो प्रेसिडेंट वो भी कर सकता है। इसका सीधा मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव को सस्पेंड किया जा सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड भी किया जा सकता है और डिसॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी में ऐसा नहीं था, वो सस्पेंड नहीं होती बल्कि उनको उनके दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना पड़ता है, या फिर अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर के साथ साथ पैरेलली काम करती है और एज अ कंकरेंट अथॉरिटी उसको स्टेट लिस्ट पर मिल जाती है, यानी स्टेट लिस्ट उस टाइम पर आपकी कंकरेंट लिस्ट का एक विषय बन जाता है। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि जितनी भी आपकी प्रेसिडेंशियल रूल इमरजेंसी जो लगती है, यानी उसमें चाहे स्टेट से रिलेटेड बजट हो या स्टेट से रिलेटेड दूसरे बिल्स हो, वो सारे के सारे बिल्स जो है वो कौन पास करेगा, वो पार्लियामेंट से ही पास होंगे, वो स्टेट लेजिस्लेचर से पास नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि और इफेक्ट में अगर हम 357 की बात करें कि 357 के अंतर्गत क्या इफेक्ट है तो उसको भी देख लेते हैं। ओके, हम बात कर रहे थे कि जो स्टेट इमरजेंसी है उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, तो अंडर आर्टिकल 357 क्या होगा कि पार्लियामेंट को अथॉरिटी मिल जाती है कि वो स्टेट के बारे में कोई भी रूल बना सकती है, और रूल बना के ये कह सकती है कि स्टेट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे
उनके बारे में आगे फर्दर रूल प्रेसिडेंट या फिर कोई सक्षम अथॉरिटी ही बनाएगा। दूसरा क्या होता है कि आपकी जो लोकसभा है, सपोज करो कि उस समय लोकसभा का भी सेशन नहीं चल रहा, तो क्या होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा निकालने, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि कामकाज रुक जाएगा आपका, फाइनेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है उस टाइम, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा निकालने के लिए अथोराइज है, वो परमिशन दे सकता है। तीसरा, अगर लोकसभा उस टाइम पर लोकसभा उस टाइम पर सत्र पर नहीं है या ज़्यादा अच्छे से कहें तो संसद उस टाइम सत्र पर नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। उसके बाद एक चीज़ ये है कि जब अंडर आर्टिकल 352 कोई भी स्टेट लिस्ट पे सेंटर कोई कानून बनाती है तो वो 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है, बट ऐसा प्रेसिडेंट रूल में नहीं है। अगर सेंटर गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने कोई ऐसा एक्ट बना दिया, कोई ऐसा लॉ लेके आए हैं या कोई ऐसा ऑर्डर जारी किया गया है, तो वो अपने आप रिवोक कभी नहीं होगा जब तक कि स्टेट की लेजिस्लेचर या जो वहाँ की अथॉरिटी है वो क्या कर दे, उसके अगेंस्ट रूल ना बना दे। और ऐसा लिखा गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन आर्टिकल 356 में एक प्रोविजो में ये प्रावधान है कि ये जो भी चीज़ें होंगी वो स्टेट लेजिस्लेचर पे लागू हो सकती हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव पे लागू हो सकती हैं, गवर्नर पे लागू हो सकती हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके से हाई कोर्ट की पावर नहीं छीन सकते, ना ही संसद में दिए गए उन आर्टिकल्स में कोई भी उन आर्टिकल्स को नल एंड वॉइड घोषित कर सकते या सस्पेंड कर सकते जो कि हाई कोर्ट्स को पावर देता है, यानी हाई कोर्ट की पावर पे इसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं दूसरा कहूं कि अब तक कितनी बार यूज़ हो चुका है, तो जैसे नेशनल इमरजेंसी को हम याद कर सकते कि वो 3 बार हुआ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की हम बात कर सकते कि इंडिया में आज तक लागू नहीं हुआ, लेकिन प्रेसिडेंशियल रूल इतनी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हुआ है कि हम उसको याद नहीं कर सकते। बस याद रखना है कि बहुत बार हुआ है, और जब 1990s का टाइम था तो उस टाइम पे तो इसको अनलिमिटेड तरीके से यूज़ किया गया है। जैसे अयोध्या जब केस हुआ था, अयोध्या कांड जब हुआ था 1992 में, उसके बाद बीजेपी से रिलेटेड जो 4 राज्यों की गवर्नमेंट थी उनके साथ ऐसा किया गया, फिर कर्नाटका मेघालय में ऐसा किया गया, तो जो कर्नाटका के सीएम थे कर्नाटका SR बोम्मई जी वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, चैलेंज करते हैं इसके जो भी डिसीजन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, कुछ नियम एस्टेब्लिश करता है कि आर्टिकल 356 का जुडिशल रिव्यू हो सकता है, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, 74(2) में ये ज़रूर बोला गया है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या सलाह देंगे, इसका आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, बट हम ग्राउंड का करेंगे कि किस ग्राउंड पे तुमने सलाह दी है। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, अगर हम ये बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्लैश हो, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई किसी और की सरकार है, स्टेट में किसी और की सरकार है, तो सिर्फ आप इस बेस पे स्टेट की सरकारों को नहीं हटा सकते कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं है, उसके अपोजिट है। और अगर एक साथ आप मल्टीपल स्टेट से सरकारें हटा रहे हो दूसरी पार्टी की, तो ये सीधा दिखता है कि आप 356 का क्या है, मिसयूज कर रहे हो। उसके बाद सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए इसका भी दुरुपयोग करके आप 356 को यूज नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट में कि अंडर आर्टिकल 356 क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड भी किया जा सकता है और डिसॉल्व भी किया जा सकता है, तो ये चीज बोली गई कि 356 में आप स्टेट लेजिस्लेचर को तब तक डिसॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों से अनुमोदन नहीं हो जाता। यानी अगर पार्लियामेंट प्रूव करता है तो वेल एंड गुड, आप स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हो, बट जो 2 महीने का टाइम पीरियड है, अगर आप डायरेक्ट ये कहते हो कि प्रेसिडेंशियल रूल है और हम डायरेक्ट स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करते हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है कि जो भी प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, वो तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, फैक्ट के आधार पर होनी चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं होनी चाहिए। फिर इसी से रिलेटेड सरकारिया कमीशन आता है। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, नॉट ओनली फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों? क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो उसमें इन्होंने 356 के बारे में भी बताया। क्या कहा कि 356 जो है आपको एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, यानी जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता तब 356 का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सिचुएशन हुई आपने 356 इस्तेमाल कर दिया। दूसरा, 356 का इस्तेमाल आप बिना वार्निंग दिए नहीं कर सकते। अगर आपको दिख रहा है कि स्टेट कोई गलत काम कर रहा है, तो पहले केंद्र सरकार को ये करना चाहिए कि पहले केंद्र सरकार को स्टेट को निर्देश दे
कि तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो और ऐसा मत करो, ठीक है, उसके बिना नहीं कर सकते। फिर क्या है, फिर ये है कि अगर मान लो इमरजेंसी आती है, नेशनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर उस स्टेट में ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि आपको लगता है स्टेट इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, तो ये कहते हैं क्योंकि अंडर आर्टिकल 355 सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनाई गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो ये देखे कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल ना हो कभी भी। और अगर ऐसा बोला गया है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आपको ये लागू करना है। उसके बाद ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अगर ऐसा होता है कि आपको ऐसी सिचुएशन लगती है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के हिसाब से वो काम नहीं कर रहा, इसलिए वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ सकता है, तो क्या करना चाहिए, आप सीधा ही स्टेट लेजिस्लेचर को आप डिसॉल्व नहीं करोगे, पहले क्या करोगे, पहले सस्पेंड करोगे, उसके बाद उसको डायरेक्शंस दोगे ऐसे करें, अगर नहीं होता है तो फिर आप डिसॉल्व करो जब पार्लियामेंट उसको अनुमोदन कर देती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से जो ग्राउंड्स हैं, दूसरा क्या है कि आप जब भी पार्लियामेंट में अप्रूवल लेने जा रहे हो तो उस टाइम पे आपके अप्रूवल के साथ उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन में ये सारे के सारे ग्राउंड्स लिखे होने चाहिए जिनके आधार पर आप प्रेसिडेंशियल रूल लगाना चाहते हो। और उसके बाद है कि प्रेसिडेंशियल रूल प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन पे नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए आपका कि गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लगाने की आपको सिफारिश करे, तभी आप उसकी प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी ऑर्डर निकाल के बोल सकता है कि आज से प्रेसिडेंशियल रूल ख़त्म हो सकता है, और इसके लिए ना तो अनुमोदन चाहिए संसद का जैसा अंडर आर्टिकल 352 चाहिए है। अब एक दूसरी इमरजेंसी की बात कर लेते हैं, वो है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, बहुत छोटी सी है, अंडर आर्टिकल 360 आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी क्या होता है आपका कि आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है पार्लियामेंट से अप्रूव कराने के लिए, और उसके बाद क्या है अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो फिर जब नई लोकसभा बैठती है 30 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है, और उसके बाद आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। इसमें क्या है कि कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए लग सकती है, यानी ऐसा नहीं है कि 6 महीने लगेगी फिर 6 महीने लगेगी फिर 6 महीने लगेगी, ऐसा नहीं है, एक ही बार लगाओ कितने टाइम तक भी रखो इसको। प्रेसिडेंट जो है सिंपल अपनी सिंपल ऑर्डर से सिंपल डायरेक्शन से इसको रिवोक कर सकता है, और उसके बाद अगर इसको रिवोक कर देते तो जो भी प्रोविजंस जो भी एक्ट बनाए गए हैं वो उस फाइनेंशियल ईयर तक रहते हैं, बाकी फिर ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि उस टाइम पे स्टेट्स के अंदर जितने भी मनी बिल्स आएंगे या जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्ट आएंगे वो सारे के सारे एक्ट आपको क्या होता है प्रेसिडेंट की अनुमोदन के लिए उसको रखना पड़ता है, यानी बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के आप उसको अप्रूव नहीं करा सकते। तो आज का यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।